आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, और इसके बाद देखिए ये भी खबर आ रही है कि उसे पाकिस्तान के कराची के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, और साथ ही इस बात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि उसे किसने जहर दिया। दाऊद इब्राहिम लंबे वक्त से पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और अब ये खबर आ रही है कि उसे किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। आखिर कौन हो सकता है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद आईएसआई के साथ उसने हाथ मिलाया था, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज वो इंडिया में कर रहा था, उसके बाद वो भगौड़ा भी साबित हुआ था। मुंबई ब्लास्ट के बाद भारत के कई शहरों में दंगे हुए थे, वो तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से दहल उठा था मुंबई। आईएसआई ने दंगों को भड़काया था, दाऊद के गुरु का इस्तेमाल किया गया था, डी कंपनी चलाता है दाऊद इब्राहिम, हथियार के लिए खालिस्तानी आतंकियों का मुंबई के गैंगस्टर से भी गठजोड़ कराने की बात सामने आई थी। तो खालिस्तानियों के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में दाऊद का पैटर्न दिखा था। 90 के दशक में यह भी देखा गया कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में इसका दखल था, और साथ ही पाकिस्तान किस तरह से दाऊद को सपोर्ट करता रहा है, उसे संरक्षण देता रहा है, यहां तक कि जब यहां से भारत से भागा था 1977 की अगर बात करें तो स्मगलिंग करना दाऊद इब्राहिम ने शुरू किया था। इस तरह से देखिए उसने अपने काले कारनामे की शुरुआत की थी 1977 में, स्मगलिंग किया करता था, उसका बड़ा नाम था स्मगलिंग की दुनिया में। 1986 में दुबई भाग गया, क्योंकि भारत से भागने के बाद उसे कहीं जगह चाहिए थी, अपने पूरे परिवार के साथ वो दुबई भागा। मुंबई बम धमाके करवाए उसने 1993 में, जिसमें 250 लोगों की जान चली गई थी। 90 के दशक में किस तरह से बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में उसका दखल रहा था, कई बार धमकियां भी मिलती थी उसके नाम से। 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट उसे घोषित किया गया। बिल्कुल, पाकिस्तानी सपोर्ट, आईएसआई मदद करता है दाऊद की, और साथ ही साथ 25 लाख दाऊद को पकड़ने का इनाम रखा गया है। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि दाऊद इब्राहिम ने आखिर क्या कुछ किया था। जीनी।